गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है आपका लाइव क्लास नहीं हो पाया, तो अभी हम आपको वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। आप लोग वहाँ से जो है कि उस वीडियो को देखकर नहीं समझ लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में यदि टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होगा तो फिर हम से लोग लाइव क्लास पे आएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग को पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन बाय रिप्लेसमेंट, नहीं मल्टीप्लिकेशन बाय रिपीटेड एडिशन ऑन दी नंबर लाइन। आज हम लोग को नंबर लाइन पे नहीं नंबर लाइन पे हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, वो भी एडिशन के द्वारा, नहीं एडिशन के माध्यम से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे वहां जीरो से लेकर 13 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जीरो से लेकर 13 तक जाती है लाइन नीचे, पुट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। आपका यहाँ दिया हुआ है डैश इंटू डैश इक्वल टू डैश, ठीक है। आपका पहला जो लाइन दिया हुआ है 0 से 3 तक, 0 से 3 पे फर्स्ट लाइन, ठीक। दूसरा है 3 से 6 पे, 3 से 6 पे सेकंड लाइन है। थर्ड है 6 से 9 पे, ठीक। और नेक्स्ट है 9 से 12, नहीं यही ना है, 0 से 3 3 से 6 6 से 9 9 से 12। अब कह रहा है कि उसको हम लोग कैसे जो है इस बॉक्स में क्या भरेंगे, नहीं जो फर्स्ट नंबर है क्या है 3 है, अब गिनेंगे 3 कितना बार है, तो 1 से 3 आया, 2 3 और 4, एंड 3 जगह 4 टाइम्स है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4, और यहाँ लिखेंगे 3, 4 3 जगह क्या होता है, बस बहुत सिंपल है। गिने गए नंबर लाइन कितना है 1 2 3 4, तो 4 लिख देंगे, नहीं और कितना इंक्रीज हो पा रहा है, नहीं नंबर लाइन पे कितनी कितना जो संख्या है वहाँ आगे करो इंक्रीज हो रहा है, 3 हो रहा है, 0 से 3 है, 3 के बाद 1 2 3 6 हुआ, फिर 1 2 3 9 हुआ, फिर 1 2 3 12, मतलब 3 इंक्रीज कर रहा है, नहीं तो इस वक्त क्या लिखेंगे 3 4 3 12, जो आपको नंबर लाइन के माध्यम से यहाँ 12 मिल रहा है, नहीं यदि नंबर लाइन का हम एडिशन के माध्यम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ 12 मिल रहा है, यानी 4 3 क्या होगा 12, यही आप कह सकते, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, वह है यहाँ डैश इंटू डैश, नहीं एक और दिया हुआ है डैश, राइट। अब जो आपका फर्स्ट जो नंबर दिया हुआ है वह है 0 से 4, कहाँ है 0 से 4, नहीं 0 से कहाँ है 4,
फोर, सेकंड फोर से एट है, तो कितना इंच कर रहा है? वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, यानी फोर, चार नंबर जो है वह इंक्रीज कर रहा है आगे नेक्स्ट नहीं, तो कितना नंबर है? वन और टू, तो यहाँ क्या करेंगे? टू लिखेंगे और यहाँ फोर लिखेंगे, चार नंबर जो है वह आगे इंक्रीज कर रहा है। टू फोर का क्या होता है? एट नहीं, टू फोर का क्या हो गया आपका? एट हो गया, यानी नंबर लाइन से आपको यहाँ एट शो कर रहा है ना, देखिए यहाँ जीरो से फोर पे आया, फोर से एट पे आया, यानी जब हम रिपीटेड एडिशन के माध्यम से उसको बनाएंगे उस माध्यम से भी आपको इंडेक्स शो कर रहा है, और वन टू लाइन है तो टू लिखे कितना इंक्रीज कर रहा है? फोर, तो फोर लिखे टू फोर जा एट, तो आपका इंडेक्स शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री है, क्वेश्चन थ्री देखेंगे, क्वेश्चन थ्री है, जीरो से लेकर आपको 15 तक नंबर दिया हुआ है, 14 और 15 नहीं, जीरो से लेकर आपको 15 तक यह नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, आपको यह दिया हुआ है जीरो से टू, टू से फोर, तो दो इंक्रीज हो रहा है नहीं, टू नंबर्स आगे इंक्रीज हो रहा है, यानी फोर से सिक्स, सिक्स से एट, एट से टेन, टेन से ट्वेल्व, ट्वेल्व से फोर्टीन नहीं, इस सब में जो आपको है कितना इंक्रीज हो रहा है? टू, देखिए यहाँ जीरो से टू के में वन टू, वन टू, वन टू, वन टू, वन, यानी सारे नंबर के बीच में दो का डिस्टेंस है, नहीं कितना डिस्टेंस है? टू का। अब आपको जो दिया हुआ बॉक्स लिखेंगे डैश इनटू डैश इक्वल टू डैश, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पहला बॉक्स में क्या भरेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो नंबर लाइन्स है वहाँ कितना टाइम्स है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, कितना टाइम्स है? सेवन टाइम्स है, सेवन लिखेंगे नहीं, सेवन टाइम्स है तो सेवन लिखिए, और कितना इंक्रीज हो रहा है नंबर से? टू, यानी जीरो से टू, टू से फोर, फोर से सिक्स, सिक्स से एट, कितना रहा इंक्रीज? टू, तो इसमें क्या लिखेंगे? टू, सेवन जो क्या होता है? 14 नहीं। अब देखेंगे आप नंबर लाइंस पे जो है एडिशन के माध्यम से भी आपको 14 ही शो करेगा, कैसे? देखिए यहाँ 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, आपका यह आंसर 14 है, यहाँ भी 14 मिल गया, ठीक है। इस तरह जो है कि हम लोग इसको मल्टीप्लाई को एडिशन नंबर लाइन पर जो है एडिशन के माध्यम से बनाते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है क्वेश्चन फोर नंबर, देखें क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, फोर में आपको दिया हुआ है सो द मल्टीप्लिकेशन फोर इंटू टू ऑन द नंबर लाइन, नहीं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फोर में सो डी मल्टीप्लीकेशन सो द मल्टीप्लीकेशन फोर इंटू टू ऑन डी नंबर लाइन, नहीं इसको जो है नंबर लाइन को शो करना है, सो डी मल्टीप्लीकेशन फोर इंटू टू ऑन नंबर, ऑन द नंबर लाइंस। अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, नहीं एक सीधा लाइन खींचेंगे, ठीक है,
देंगे, अब जो है यहाँ करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, हम क्या करेंगे इसको 10 तक ही छोड़ देंगे। आप जो बुक में दिया है 14 तक, हम 10 तक ही लिखेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ठीक है। अब आपको शो करना है कि 4 × 2 जो है, नहीं मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 2 तो कितना आएगा, 8 आएगा, तो उसको आपको शो करना है इस नंबर लाइन, यानी 4 × 2 नहीं इक्वल टू क्या होगा, 8 होगा। आप देखेंगे 4 का नहीं है, 4 हर यहाँ 2 है, 2 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे, 2 है तो 2 इंक्रीज करेंगे, नहीं यानी 0 से कहाँ जाएंगे 2 पे, ठीक 0 से 2 पे आए, 2 से कहाँ जाएंगे 4 पे, 4 से कहाँ जाएंगे 6, 6 से कहाँ जाएंगे 8, बस हो गया। इसी चीज को यहाँ शो करके दिखाना है कि 4 × 2 को आप नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे, तो 2 इंक्रीज हो रहा है ना 4 टाइम्स, 2 आपको 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो क्या 0 से 2 जाएंगे, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इसी चीज को जो है आपको नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है। हम नेक्स्ट देखेंगे पेज नंबर 98, पेज नंबर 98 है, उसमें आपको है मल्टीप्लिकेशन टेबल है, नहीं आपको क्या पढ़ना है, टेबल पढ़ना है, ठीक है। आपको इसमें क्या पढ़ना है, टेबल, तो इसमें सबसे पहले आपको दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स है, पहले उसको बना लेंगे, आपका है पेज नंबर 98, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, 5 × 0 इक्वल टू डैश, 6 × 0 इक्वल टू डैश, 7 7 × 0 इक्वल टू डैश, ठीक 8 × 0 इक्वल टू 0 4 × 0 इक्वल टू 0 0 × 9 इक्वल टू डैश, ठीक ये आपको दिया हुआ है। अब हम लोग जैसे जानते हैं, नहीं जब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, 0 ही आता है, यह हमेशा ध्यान रखेंगे, जब किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आएगा, 0 ही आएगा, नहीं चाहे कितना भी टाइम से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ बार बार 0 ही आएगा, ठीक है। या 0 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, या किसी संख्या को भी 0 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 0 ही आएगा, नहीं तो यहाँ 5 को 0 से करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, 6 × 0 तो क्या होगा, 0 होगा, 7 × 0 तो क्या होगा, 0 होगा, 8 × 0 8 को किस संख्या से गुणा करेंगे 0 आएगा, क्या करेंगे 0, 4 × 0 0 × 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं यानी किसी भी संख्या से 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां क्या होगा, 0 ही आएगा, ठीक है।
अब जो है आपके इस बुक में दिया हुआ टेबल नहीं, आप लोग को अब टेबल पढ़ना है, आप लोग को टेबल आता ही होगा, फिर भी हम जो है ये आपको बता देते हैं, आप लोग उसको नोट्स कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले टेबल दिया हुआ है 1 से 5 नहीं, तो हम सबसे पहले टेबल लिखेंगे आपको 2 का टेबल लिखेंगे नहीं, टेबल ऑफ 2, 2 into 1 2, 2 into 2 4, 2 into 3 6, 2 into 4 8, 2 into 5 10, 2 into 6 12, 2 into 7 14, ठीक, 2 into 8 16, 2 into 9 18, 2 into 10 = क्या आ जाएगा 20। ठीक है, 2 into 10 क्या आ जाएगा 20 हो जाएगा नहीं, आप देखेंगे 2 into 2 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 5 = 10, 2 3 = 12, 2 7 = 14, 2 8 = 16, 2 9 = 18 और 2 10 = 20। ठीक, इसी तरह ऑप्शन लिखेंगे 3 का टेबल नहीं, टेबल्स ऑफ 3, हम क्या करेंगे 3 का टेबल लिखेंगे 3 into 1 3, 3 into 2 6, 3 into 3 9, 3 into 4 12, 3 into 5 15, 3 into 6 18, 3 into 7 21, 3 into 8 24, 3 into 9 27, और 3 into 10 = क्या जाएगा 30। ठीक है, इस तरह से आप लोग टेबल, आपको पहले भी कुछ वीडियो जो अपलोड किए थे उसमें आपको टेबल लिखने का ट्रिक सिखाए थे, ठीक है ना, क्या थे उसमें टेबल लिखने का आपको ट्रिक सिखाए थे नहीं, उसके माध्यम से आप लोग टेबल लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, और यह मल्टीप्लीकेशन का माध्यम से भी आप टेबल को लिखकर और याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे क्लास को समाप्त करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास फिर लाइव आएंगे नहीं, और आप लोग को फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि आपका एग्जाम जो है 5 जुलाई को होने वाला है नहीं, आप लोग जो है घर पर अच्छा तैयारी करेंगे। ठीक है, ओके।